हेलो 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 हाँ हेलो, आवाज नहीं जो पहुंच रही? जी, पहुंच रही हूँ। हाँ, मोहम्मद कौन? ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ, इमरान देवबंदी जी साहब जी। जी हाँ, दावा पेश कीजिए अपना और अपना हुक्म लगाइए। आप क्या दावा है आपका इस बार ईद मिलाद उन नबी पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, का। देखो, हमारा दावा ये जो जुलूस निकालते हैं, सीटी अब ऑफिस में करते हैं, नाच गाना बजाते हैं और नाचते भी उसी में, कूदते भी हैं, डीजे भी रखते हैं, ठीक है, ये कहाँ जाएगा? अच्छा, तुम ये बताओ, सहाबा से लेकर अइम्मे मुज्तहिदीन उलमा तक कोई जुलूस निकला है? इमाम अहमद बिन हम्बल तक, या इमाम अबू हनीफा, या इमाम शाफई, या इमाम मालिकी, किसी के दौर के अंदर ये जुलूस निकला है? जरा इसकी बस हो गया, वजाहत तुम्हारा फरमा दिया हो गया। पहले जी। अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? जी बताइए, आगे फरमाइए। अपना नाम बताएं, अपना नाम क्या है, नाम क्या है आपका, मेरा नाम मोहम्मद इमरान। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? कहाँ मैं तो मुरादाबाद से हूँ, यूपी से, से? मुरादाबाद यूपी। मुरादाबाद, हैदराबाद। अरे मुरादाबाद, मुरादाबाद यूपी। जी, मैं हैदराबाद से। जी हैदराबाद से। तो आपने जो ये इतनी लंबी तकरीर की है, तो बात मीलाद की है या जुलूस की बात है? आपको एतराज किस चीज से है? मीलाद से एतराज है आपको या जुलूस से एतराज है? जुलूस हमें मेला में जो देखो, पहले देखिए, आप मतलब बोले तो मैं चुप रहा। इधर आप बोले मैं चुप रहा नहीं। पहले मेरी बात सुन लो जरा पूरी। जी जी सुनाइए जी। हाँ, मेरी सुनो। जैसे मैं चुप रहा हूँ, आपकी बात सुनिए, ऐसी मेरी आप सुनो। आपको एतराज नाच गाने से है, डीजे से है, या जुलूस से है, या मिलाद से है? किस बात से एतराज है? और आप जो मुझसे दलील मांग रहे हो, तो दलील मैं भी दूंगा, लेकिन आपको भी जो मैं मांगूंगा आपसे दलील, वो आपको भी दलील देनी पड़ेगी। फिर अब आप बोलिए। जी, हमें मेला से आप बताए, ठीक है, हमें मेला से कुछ भी नहीं, आप करो मेला, ठीक है, नात पढ़ो, तकरीरें करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा उसमें करो, हमें कोई कुरान करीम पढ़ो उसमें, हमें कोई वो नहीं, लेकिन जो जुलूस निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, काबे की तस्वीरें बना के निकालते हैं, गुम्बद खजरा की तस्वीरें बना के निकालते हैं, इसी पर इसी के साथ साथ जो है कूदते हैं, तो ये कैसे रहता फिर? जी ठीक हो गया, जी मतलब मीलाद से आपको कोई एतराज नहीं है, मीलाद से आप मुत्तफिक हैं, यानी मीलाद मनाना जो है वो जायज है। आपको जो एतराज है वो इससे है कि जो डीजे बजाया जाता है और जो उस पर तस्वीरें बनाई जाती है, तो उस पर बैठते हैं या मतलब डांस करते हैं, तो ये हमारे किसी उलमा इकराम ने जायज नहीं कहा है कि ये जायज है। नाच गाना जी करना या ढोल ताशे बजाना, हमारी किसी किताब में लिखा हुआ आप दिखा दो कि ये मतलब किसी ने, हमारे आलिम ने ये कहा कि जायज है। अब ये बात ला, तो आपका एतराज किस बात पर रहेगा? इसे तो हम भी जायज नहीं मानते। अब जो वलामा है, नहीं अगर मानते। जी सुनिए, बात सुन लीजिए, आप बोलना, मैं पूरा बात जी सुनूंगा आपको, आप पूरा बोलना। अगर कोई जी आदमी जाहिल जहालत की जी बुनियाद पर ऐसा करता है, डीजे बजाता है, डांस करता है, तो उस पर आप जो है मसलक पर थोपते हो और उसे मतलब शरीयत बना लेते हो, तो शरीयत जो चलती है वो अवाम से चलती है या खवात से चलती है, ये और बता दो आप मुझे। आपको इससे तो एतराज नहीं है मिलाद से? चलिए, ये तो मान लिया क्या आपने, हुआ, क्या हुआ? आपको मिलाद से तो एतराज नहीं है। अब शरीयत जो चलती है, तो क्या वह आवाम का फेल होता है शरीयत, या हवास का कौल होता है, ये और बताना है मुझे। देखो, आपके बहुत बड़े बड़े उलमा, ठीक है, शामिल होते हैं जुलूस में, सुनिए जरा, जी यहां बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपके आपकी, बहुत बोलो। बड़े बड़े उलमा जो है जुलूस में शामिल होते, निकलवाते हैं जुलूस, ये पहले बताए जुलूस निकालना फिर कैसा है? सिर्फ मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दिन मना सकते, 12 रबीउल अव्वल के दिन, ये बताइए, हो गया आपका, ये बताइए, 12 रबीउल अव्वल के हो गया दिन ही आपका, जो है ईद मिलाद उन नबी मना सकते हैं? तो हो गया आपका। आप इस पर ये तो लगाइए कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो मिलाद मनाते हैं और जो जुलूस निकालते हैं, उस पर हुक्म क्या लगेगा? इधर आइए आप, चलिए। ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये जो हमारे ईद मनाते हैं, इस दिन को नजदीक ईद का दिन जो मनाते है हैं, ये शिर्की ईद बना लेते हैं बिदअत इस दिन को, है है, ये जो है हमारे नजदीक शिर्की बिदअत है ये, ठीक बिदत है, है, इन खुराफातों को हमें नीचे में जमे छोड़ना मतलब होगा, अगर अल्लाह क्या की है रस्सी तुम्हारे को मजबूती से थामना, क्या नजदीक क्या है?
ये शिर्क है, बिदअत है। शिर्क ये शिर्की की तारीफ क्या है? शिर्क की तारीफ यही नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, यही नहीं है। क्या क्या बताओ, तारीफ करो, शिर्क की तारीफ करो क्या है? और बाकी सब दिखावा के लिए जो तारीफ करो, तारीफ शिर्क की तारीफ करो मौलाना, शिर्क की तारीफ, शिर्क की तारीफ क्या है, शिर्क की तारीफ क्या है? सुनो, वो तो बताया गया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है, लेकिन यही सिर्फ नहीं शिर्क है बल्कि दिखावा के लिए जो काम कोई करता है। नहीं 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 नहीं, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है मौलाना, ये यूट्यूब पर जाएगी। तुम्हारी कौम जो है तुम्हारी जूता नहीं मारे, ऐसा ना हो। शिर्क की तारीफ कीजिए आप, ये ढोल ताशा जो बजाना होता है कि अल्लाह ताला ढोल ताशा है, जो आपने कह दिया शिर्क है। अरे तुमने ये कहा ना शिर्क है ये, तो क्या शिर्क जो अल्लाह ताला की जात में? अरे यार बड़बड़ करने लगे आप, बड़बड़ करने लगे। आपने अभी ये कहा कि ढोल ताशा बजाना, जुलूस निकालना शिर्क है, तो क्या अल्लाह ताला ढोल ताशा है या जुलूस है जो उसकी जात में किसी को शरीक कर लिया या उसकी सिफत में शरीक कर लिया, जो आपने शिर्क कह दिया इसे? बिदात हमने बोला, देखिए उसमें बिदात अलग चीज है, शिर्क अलग चीज है। अभी आपको ये भी मालूम नहीं है कि बिदात अलग चीज होती है और शिर्क अलग होता। बिदत की तारीफ क्या है? बिदत की तारीफ कीजिए, बिदत की तारीफ कीजिए, बिदत की तारीफ कीजिए, बिदत की तारीफ क्या है? तुम तो तुम्हें सिखाया क्या जाता, तुम्हें सिखाया क्या जाता है? अरे भागे, तुम भावते ऐसी कर रहे हो जाहिलो वाली। तुमने शिर्क बता दिया इसे, ढोल ताशे को शिर्क बता दिया, तुमने जुलूस को शिर्क बता दिया, तो ये क्या अल्लाह ताला ढोल ताशा है, अल्लाह ताला जुलूस है? बिदअत की तारीफ कीजिए, बिदअत की तारीफ क्या? अभी तुम्हें ये मालूम नहीं कि बिदअत अलग चीज है और शिर्क अलग चीज है। जवाब दीजिए पहले इसका, तो अल्लाह ताला का नौज बिल्ला माजल्ला अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जो अल्लाह ताला का तो ढोल ताशा बना दिया, नौज बिल्ला माजल्ला। तुमने बनाया, तुम बना रहे हो, तुमने कहा ना शिर्क है ये। अरे तुम शिर्क कैसे कह रहे हो फिर इसे? शिर्क साबित करो, कैसे हो गया फिर ये शिर्क? तूने शिर्क कैसे हो गया? बिदअत है ये। नहीं, तुमने ये कहा ना शिर्क है ये, तुमने ये कहा अभी कि शिर्क है ये। शिर्क कैसे हो गया ये बताओ, उसकी शिर्क की तारीफ आपने की कि अल्लाह की जात में सिफात में किसी को शरीक करना जो वो शिर्क है। शिर्किया बिदअत है ये काम। बिदअत की तारीफ क्या है आप ही बता दे। नहीं आप बताओ ना, आप इतने बड़े अल्लामा बनना हो, आप जो है हर एक मतलब फतवा लगाने के लिए चलते हो, तुम्हें सिखाया क्या जाता है? देखो इधर तुम्हारी जरूरत में तुम्हें क्या सिखलाया जाता है ये बताइए। बड़बड़ करने लगे आप, बड़बड़ करने लगे, तुम जवाब नहीं दोगे कोई भी, बड़बड़ करोगे ऐसी। मैंने तुमसे गुरु में कहा था कि तुम हवा खारिज करोगे मेरा नाम सुनते ही, मेरी आवाज सुनते ही। हाँ सुनाओ 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 सुनाओ। बिदअत उसको कहते हैं जो दीन से, दीन में नई बात लाए, दीन में कोई नई बात लेके आए, उसको बिदअत कहते हैं। दीन में है जुलूस निकालना, ये साबित है। अच्छा, जुलूस है दीन में निकालना। तो अब बिदअत क्या होती है? बिदअत क्या होती है? होती बिदअत नई बात लाना, ये बिदअत है। दीन में नई बात लाना बिदअत है, है नहीं? तो बिदअत क्या एक ही होती है? बिदअत बहुत सारी, तो फिर कौन सी बिदअत है ये? जो आप दीन में कोई जो आपके अंदर पाई जाती है बिदअत, बहुत सारी बिदअत है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने इसे जुलूस को जो है बिदअत करार दिया नहीं? आपने पहले शिर्क कहा, आप शिर्क से आप भागने लगे, जब आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा तो आप आ गए बिदअत पर। अभी भी मैं कह रहा हूँ शिर्किया बिदअत है। अरे शिर्क अलग होता है, क्या कुछ पढ़े हुए लिखा हुआ है? नहीं हो शिर्क से तो आदमी इस्लाम से खारिज होता है, बिदअत अलग होती है। मैं मानता हूँ शिर्क जो है, क्या क्या पढ़ते हो यार तुम, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। और तुम आते भोंकते इतने हो कि जैसे कि बड़े बड़े अल्लामा हो, तुम पढ़ते क्या हो? इधर सुनो पहले। हाँ सुनाओ। हमने बोला शिर्किया बिदअत है, क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है शिर्किया बिदअत का मतलब? क्या हुआ ये तुमने दोनों को एक साथ जोड़ लिया, इसका मतलब क्या हुआ शिर्किया बिदअत का? हाँ क्या मतलब हुआ इसका? इधर देखो पहले, देखो नहीं सुनाओ मुझे, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सुनाओ सुनाओ। हदीस में नहीं आता क्या? क्या दिखावा के लिए नमाजें पढ़ता, रोजे रखता है, विक्रम सल्लम को कौन भी हो दिखावा के लिए कोई काम, तो वो कौन सी शिर्क, वो कौन सा शिर्क है? शिर्क है लेकिन छोटा शिर्क है। अब ये बताइए, आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनिए, देखो बहुत देर हो गई आपको बड़बड़ करते हुए मौलाना, बहुत देर हो गई। इमरान साहब सुनिए, आप मुझे ये बतलाइए कि आप जो इस जुलूस को शिर्किया बिदअत मान रहे हैं, तो ये कौन सी बिदअत मान रहे हैं आप? कौन सी बिदअत है ये? क्या बिदअत एक ही किस्म की होती है? ये कौन सी बिदअत है? नहीं ये बताइए पहले के जुलूस निकालना तुम्हारे नजदीक क्या है? पॉइंट पर आइए, हमारे नजदीक मुस्तहब है, हमारे नजदीक मुस्तहब है, मुस्तहब। सुनो सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ, अरे मेरा जवाब सुन लिया, जवाब तो सुनो, मेरा जवाब सुनो। हमारे नजदीक मुस्तहब है, ना हम इसे फर्ज मानते हैं, ना वाजिब मानते हैं, और ना ही सुन्नत मांगते हैं, मगर मुहद्दिसीन ने इसे सुन्नत से साबित किया है, ये भी हम तुम्हें दिखलाएंगे, और मैं कुरान से भी साबित करूंगा कि हाँ ये जो है मिलाद पाक, हाँ मिलाद पाक बनाना जो है
ये कुरान से भी साबित है, हदीसों से भी साबित है। मुझे ये बताइए आप बिदअत, अहमद भाई मुझे बताइए कि बिदअत ये आप कौन सी बिदअत मानना है, क्या ये बिदअत जहन्नम में ले जाने वाली है, कौन सी बिदअत है? देखो इधर देखाओ मतो पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ बिदअत की तारीफ करो, और बिदअत कौन सी बिदअत मानने वाली है? कर रहा हूँ भाई। हाँ करो। दीन में दीन के अंदर कोई नई बात फैलाता, बिदअत वगैरह कुछ भी हो, नई बात लाता दीन के अंदर, ठीक है, तो उसको जहन्नम में, उसके लिए ठिकाना जहन्नम है। जहन्नमी है वो? हाँ जहन्नमी है वो, वो जहन्नमी है। बात फैला रहा है वो, मतलब कोई कोई गुंजाइश नहीं है उसके लिए, बात ला दो मोहम्मद, कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा सुनिए मौलाना इमरान साहब, मतलब ये फतवा सभी के लिए होगा? ये देखिए जो जो भी कोई भी हो बिदअत में शरीक हो रहे, जुलूसों में शरीक हो रहे, आगे से बढ़-बढ़ के हिस्सा ले रहे, आगे से बढ़-बढ़ के हिस्सा ले, हम है नबी वाले, हम नहीं नबी वाले हैं क्या? तुम नहीं हो, तुम ना नबी, तुम ना नबी वाले हो ना साहबा वाले हो, किसी वाले भी नहीं हो तुम। तो अब तुमने सुनिए यार, बोलने क्यों नहीं दे रहे तुम बोलने क्यों नहीं दे रहे, खुद ही बोले जा रहे हो। तुमने ये तारीफ की बिदअत की, जो बिदअत, सुनो बिदअत की, अरे सुन तो लो जरा, बिदअत की आपने ये तारीफ की कि दीन में जो नया काम करे तो वो जहन्नमी है पक्का, है नहीं जी? है नहीं जी? जी वो पक्का जहन्नमी। बात सुनिए, जो मुंह बंद रखना थोड़ी देर के लिए, ये मेरे हाथ में किताब है तुम्हारी, कहरे आसमानी बर फिरका रजा खानी जी, और लिखने वाले तुम्हारे डॉक्टर खालिद महमूद, जो तुम्हारे बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जी। जी ये इसमें लिख रहे हैं कि बिदअत दो किस्म की है, एक हसना यानी अच्छी, मसलन तरावी, रमजान और मिलाद शरीफ। क्या कह रहे हैं ये? बिदअत दो किस्म की है, एक हसना यानी अच्छी, मसलन तरावी, रमजान व मिलाद शरीफ, जिसमें सही रिवायात व फजाइल हुजूर सरवरे कायनात बयान हो, और फातिहा बुजुर्गान दीन व एहसाने सवाब। ये बिदअत जो है ये अच्छी किस्म की है, तो ये तुम्हारे फजले से कौन हुए? जहन्नमी होगा ये तुम्हारे डॉक्टर खालिद महमूद? ये तो अच्छी बता रहे हैं ये सभी बिदअत। तुमने कह दिया कि बिदअत में जो जो भी नया काम पैदा करे, तो पहले इधर देखो हमारी बात, पहले बाद में देखूंगा, पहले सुन लो, अब सुन लो जरा, सुन तो लो, अरे सुन तो लो, सुन तो लो। ये तुम्हारे दूसरी किताब मेरे हाथ में, राह सुन्नत, ये तुम्हारे लिखने वाले हैं डॉक्टर सरफराज सफदर, जो ये भी तुम्हारे बहुत बड़े आलिम है, तुम्हारे अकाबिर आते हैं। ये लिख रहे हैं, ये भी मालूम हुआ कि हर बिदअत गुमराही नहीं, हर बिदअत बुरी नहीं जी। आगे पढ़ के सुनाइए जरा। हाँ सुना के दुनियावी इजादात भी मजमूम हो जाएं, बल्कि क्या पढ़े, हर बिदअत बुरी नहीं ताकि दुनियावी इजादात भी मजमूम हो जाएं, बल्कि वो बिदअत बुरी है जो किताबुल्लाह और बदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो। लिहाजा जो चीज किताब और सुन्नत की रविश के खिलाफ होगी वो बिदअत और गुमराही होगी, और गुमराही से खुदा ताला कभी राजी नहीं। यानी जो कुरान हदीस के खिलाफ होगी वो बिदअत गुमराही होती है, हर बिदअत गुमराही नहीं होती है। दो हुए हवाले तुम्हारे, ये तुम्हारे फतवे से कौन हुए काफिर हुआ। अब ये मेरे हाथ में किताब है, सुनिए 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 सुनिए, मैं सुनूंगा आपकी, आपको दो मिनट पूरे दूंगा। ये मेरे हाथ में किताब है अशारतुल लमात, लिखने वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो आपके और हमारे मुत्तफिका दोनों के अकाबिर हैं, दोनों मानते नहीं। ये इसमें लिख रहे हैं, सुन लीजिए, मालूम होना चाहिए कि जो कुछ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद निकाला और जाहिर हुआ बिदत कहलाता है, फिर उसमें से जो कुछ उसूल के मुवाफिक और कवायद सुन्नत के मुताबिक हो और किताब और सुन्नत पर कयास किया गया हो, बिदत हसना कहलाता है, और जो उन उसूल और कवायद के खिलाफ हो उसे बिदत जलालत कहते हैं, और कुल्लो बिदत जलालत का कुल्लिया इस दूसरी किस्म के साथ खास है, और जो बिदअत हसना है उनमें से बात का एतबार, बात का इख्तियार करना वाजिब व जरूरी है। क्या कह रहे हैं? ये वाजिब व जरूरी है, जैसे इल्म सर्फ व नहर सीखना सिखाना कि उसी के जरिए आयात व हदीस के मानी की सही पहचान होती है, इसी तरह किताब व सुन्नत के गराइब व मुश्किल मकामात का हिफ्ज और जहन नशीन करना और दूसरी बहुत सी चीजें और उलूम जिन पर दीन व मिल्लत की हिफाजत मौकूफ है, और कुछ बिदात हसना मुस्तहन व मुस्ताब हैं, यानी कुछ मुस्ताब भी बताना है ये, हसना भी बताना है, जैसे सराएं और दीनी मदारिस तामीर करना, बाज बिदात मकरूह है जैसे बाज उल्मा के नजदीक मस्जिदों और कुरान मजीद की जिल्दों और गिलाफों वगैरह की जेबाइश व आराइश और उनका नक्शो निगार, बाज बिदात मुबाह है जैसे खाने पीने की लजीज चीजों की जाती व फरावानी और लिबास फाखरा जेबतन करना। अब मुझे ये बतलाइए
आपके फंदे से। ये बताइए, अब सुन तो लीजिए, जरा सुन तो लीजिए, पहले मेरी बात पूरी तो हो जाने दें, पहले आप पूरी बोलना, पूरी बोल जाना। अरे पूरी बोलना, मुझे सुन तो लो पहले। ये तुम्हारे फंदे से, ये तो बिदअत की दो किस्में बयान कर रहे हैं, और तुमने कह दिया कि हर बिदअत गुमराही है और बिदअत को निकालने वाला जो है वो गुमराह है। अब सुनो, सुन लो जरा पूरी बात सुन लो। इधर हमारी नहीं, तुमने तुमने ये कहा ये बिदअत है। अब सुनो, ये तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, इसमें सवाल हुआ क्या बिदअत की दो किस्में हैं, हसना और सैया। सुनो, इसमें सवाल हुआ क्या बिदअत की दो किस्में हैं, हसना और सैया। जी हाँ, बिदअत की दो किस्में हसना और सैया। तफसील के लिए देखिए मिरकातुश शरा मिशकात जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 216। ये भी तुम्हारे दारुल देवबंद वाले भी दो किस्में बता रहे हैं। अब आप बोलिए कितना बोलोगे। अभी मैं आपको उल्टा टांगूंगा और फिर आगे भी। चलो बोलो, अभी चलो बोलो, कौन टांगता अभी बता, अभी बताऊंगा तुम्हें कौन टांगता। ये जो बिदात है, जो जुलूस निकालते हैं, तो ये क्या अल्लाह के नबी के जमाने में था? ये बोल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है के जमाने में था क्या ढोल तमाशा जो है बजाना? सहाबा ने क्या बजाया? आए ताबाइन ने बजाया है क्या? कभी बजाया नहीं है, बजाया है, जीम है, जीम इसमें जीम है, जा नहीं है मौलाना, जा नहीं है इसमें। हाँ, तुम्हारी जबान लड़काने लगी। हाँ चलो बोलो रजा खानी जी, बदकलामी मत करो ना। मैं अगर आ गया ना अपनी पे तो मुझे जानते भी हो इस तरीके से, वहां तक उल्टा लटकाऊंगा जहां तक दिन निकलेगा। बोलो, अरे हमारी बात पहले सुनिए। हाँ बोलो, तुम्हारी सुन रहा हूँ मैं। अगर ये ईद मिलादुन नबी 12 बिलवल जो मनाते हैं, अगर जायज होता ठीक है, तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बनाते ठीक है। तुम अबू बकर से बड़े नहीं हो, उमर से बड़े नहीं हो, अली से बड़े नहीं हो, उस्मान बिन उस्मान गनी से बड़े नहीं हो ठीक है। लवा जवान लड़खड़ाने लगी बोला ना, पूरे सहाबा से आप नहीं बड़े हो, आओ के बाद ताबईन से नहीं बड़े हो, ताबईन ने कभी जुलूस निकाला, सहाबा ने जुलूस निकाला, ये ठीक 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 बस हो गया। फिर उसके बाद अबे ताबईन ने जुलूस निकाला, हो गया। अब अगर अगर तुम्हारे अंदर, अब सुनो, अब तुम्हारे ये बताइए, वो बता तो रहा हूँ मैं, अरे ये इसका जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो अब। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबह, अरे इसी का जवाब दे रहा हूँ मैं, इसी का जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो, सुनने का मादा तो पैदा करो अपने अंदर। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी गैरत है और वाकई में तुम अगर अपने आप को मुसलमान कहते हो, वैसे मुसलमान तो नहीं है, तुम इस्लाम से खारिज हो, मुझे शरीयत का उसूल जाब्ता ऐसा कोई दिखला दो कि जो काम साहब ने नहीं किया, नबी ने नहीं किया, वो हम नहीं कर सकते। उसूल जाब्ता दिखाओ, कहाँ ऐसा लिखा हुआ कि जो काम नबी ने नहीं किया या सहाबा ने नहीं किया वो हम नहीं कर सकते। तुम्हारी मैया मर जाएगी सुबह कयामत तक, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, उसूल जाब्ता दिखाओ, शरीयत का कौन सा ऐसा है कि हम नहीं कर सकते, दिखाओ उसूल, उसूल दिखाओ, दिखाओ उसूल, इधर इधर उसूल दिखाओ, अरे उसूल दिखाओ मुझे, जुबान लड़खड़ाने लगी तुम्हारी, बोला ना जुबान लड़खड़ा रही है, मुझे ये उसूल जाब्ता दिखलाओ कि शरीयत। सुनो 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 मौलाना, मौलाना ये मौलाना, मुझे ये शरीयत का उसूल जाब्ता दिखलाओ कि जो नबी ने काम नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, हम नहीं कर सकते। तुम्हारी पूरी सूरत को चैलेंज कर रहा हूँ मैं, दिखाओ सुबह कयामत तक। पहले तुमको ये दिखाना होगा कि जो 12 रबीउल अव्वल में जश्न मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, अभी पड़ोस के मुल्क में उमर बिन खत्ताब का जो है पुतला बनाकर उसको जुलूस में निकाला गया, ये दूसरी तरफ मत लेके जाओ, दूसरी तरफ मत लेके जाओ, बात यहाँ चल रही है ईद मिलादुल नबी की, दूसरी तरफ मत लेके जाओ, यही ईद मिलाद, यहाँ बात करो। अच्छा, जो मिलाद मनाए, जो मिलाद मनाए उस पर भी हुक्म लगा दो। चलो बिदा जी, तुमने कर दी अपने, जो मिलाद मनाए 12 रबीउल शरीफ के दिन मिलाद मनाए और अच्छा कहे उस पर हुक्म लगाओ। 12 रबीउल अव्वल के दिन इतनी जो है खुशियाँ मनाते, इतनी खुशियाँ मनाते, उसी दिन कर सकते हैं क्या? उसके बाद नहीं कर सकते, उसके उसी दिन करेंगे हम, उसी दिन करने वाले पर हुक्म लगाओ, क्या हुक्म लगेगा? उसी दिन करने वाले पर हुक्म लगाओ, हे मौलाना, मौलाना जो उसी दिन कर रहा है 12 रबीउल अव्वल के दिन ही कर रहा है, उस पर हुक्म लगाओ, क्या हुक्म लगेगा? तो उसी पर तो हुक्म लग रहा है, उलमाए देवबंद उसी पर तो लगा रहे हैं, लगाओ क्या हुक्म लगा? तुम्हारी जुरियत में दबना है तो लगा दो, तुम्हारी जुरियत में दबना है तो हुक्म लगा दो। ये बताया ताहिर गया भी तो गुरु में गया भी तो वो गया वासी जन्नम हो गया, गया भी तो गया भी तो वासी जन्नम हो गया। अरे जुबान और खराने लगी तुम्हारी, बोला ना गया भी तो वासी जन्नम हो गया तुम्हारा, ये ताहिर रजा कादरी है तुम्हारे सामने, ये तो शेर रजा है, कौन है? गया भी तो गया तुम्हारा वासी जन्नम हो गया, ये ताहिर रजा कादरी है, शेर रजा कोई भी हो। अब ये बताओ कि जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ही जश्न मनाए, ईद मनाए, जश्न ईद मिलादुल नबी मनाए, उस पर हुक्म लगा, हुक्म क्या लगेगा? जल्दी बोलो। पहले तुम यही साबित, मैं तुमसे पहले से बताता आ रहा हूँ कि देखिए सामने हजरात, ये इनकी हिम्मत नहीं है और पूरी देवबंदी सूरत की हिम्मत नहीं है कि हुक्म लगा दें, हिम्मत लगाते हैं, नऊज बिल्ला काबे की तस्वीरें बना के लेके चलते हैं, नऊज बिल्ला जो है गुम्बद खजरा की तस्वीरें बना के लेके चलते हैं, ऊपर खड़े हुए हैं। अभी तुमसे मैंने क्या कहा मौलाना? मौलाना अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है तो हम उसे जायज नहीं कहते,
हम तो समझना करते हैं कि नहीं कि तुमको हाँ। तुमका ये जो है हुक्म नहीं है कि उस आपने हमारे बिरादर का उसको रोको मैं अल्लाह की रहमत से मसलक का है वो। अब तुम मुझे ये बात बताओ कि जो 12 रबीउल शरीफ के दिन ही जुलूस निकाले या इसी दिन जश्न मिलादुल नबी मनाया उस पर हुक्म लगाओ अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है इतनी जो हुक्म लगा दो तुम अभी देखो कैसा करता हूँ मैं तुम्हारा बात कहाँ मानते हो लगाओ हुक्म मानूंगा कैसे जब तुम्हारे तुम्हारे घर का फैसला मैं तुम्हें दिखलाऊंगा लगाओ जब मेरे लगाओ। तुम्हारी बातों को पकड़ते हैं तो इधर से उधर भागना शुरू हो जाते हैं ले ले अरे बात देखो देखो मेरी बात सुनो हमारे ये मेरे हाथ में किताब है देखो सुनो 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 ये मेरे हाथ में किताब है इन्फाले ईसा और लिखने वाले तुम्हारे अशरफ अली थानवी ये लिख रहे हैं इसमें कि मौलूद शरीफ और जगह तो बिदअत है लेकिन कॉलेज में जायज है कॉलेज में मना क्या करेंगे जायज बल्कि जायज नहीं और क्या करें अगर लिख लें अगर किसी जगह बिदअत ही लोगों के दीन की हिफाजत का जरिया हो जावे तो वहां उस बिदअत को गनीमत समझना चाहिए जब तक कि उनकी पूरी इस्लाह ना हो जाए वह जैसे मौलूद शरीफ और जगह तो बिदअत है मगर कॉलेज में जायज नहीं बल्कि वाजिब है क्या है कॉलेज में वाजिब है ए मौलाना अरे किधर गए देवबंदी साहब भाग गए क्या देवबंदी ओ देवबंदी देवबंदी भाग गए दिखे शायद अजी भाई भाग गया देवबंदी लगा दोबारा लगाओ इसे देवबंदी को अस्सलाम वालेकुम।